पांच तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़, दोनों की ही जगह इस तरह आसमानी आफत का प्रकोप चल रही है। कहीं इंसान बह रहे हैं तो कहीं सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही नजर दिख रहा है। पुणे से लेकर औरंगाबाद, गढ़चिरौली समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। औरंगाबाद में मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में बाढ़ आ गई है। तीन लोग पानी में डूबकर बहने लगे, इनमें से दो को बचा लिया गया। वहीं पुणे के इलाकों में भी मूसलाधार बरसात होने की वजह से सड़कें मानो समंदर बन गई हैं। जगह जगह ट्रैफिक रुक गया है। महाराष्ट्र के जैसे ही छत्तीसगढ़ के भी हाल हैं, जहां भी तेज बारिश हुई है लोगों की चिंता अब बढ़ गई है। यहां तो एक थाना और उसके आसपास का इलाका पानी में डूब गया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पिछले दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि पिछले शहर समंदर में तब्दील हो गया है। पुणे में तो आलम ये कि पानी ने लोगों के घरों में कब्जा कर लिया है। क्या बेडरूम, क्या किचन और क्या बाथरूम, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का डेरा है। सड़कों का हाल भी घरों से कुछ अलग नहीं है। बेतहाशा पानी में यहाँ सड़कें ही गायब हो गयी। पुणे से आई तस्वीरों को देख कर लगा यहाँ सड़कें कभी थी ही नहीं। इतना ही नहीं, दरिया बन चुकी सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब गई। सैलाब में डूबी गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो उसमें तैरने लगी हो। सड़कों के साथ साथ दुकानें भी पानी में समाई नजर आई हैं। जोरदार बारिश ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से पुणे में दिन में रात जैसा नजारा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ गई। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में आसमानी आफत कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तो भारी बारिश में एक पुल का हिस्सा ही बह गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया है। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी का प्रहार ऐसा है कि यहाँ पर कैसे इस जिले का बाकी इलाकों से संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में महाराष्ट्र की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। देश के कई राज्यों में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ऐसे में कई राज्य और शहर हैं जहां भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र के नासिक, सातारा में तेज बारिश का अलर्ट दिया गया है। वहीं अहमदनगर और पुणे में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। आलम यह है कि पानी नेशनल हाईवे तक आ गया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़क हो या मकान, हर तरफ सैलाब का मंजर दिखा, जिन्होंने लोगों को दहशत में डाल दिया। तस्वीरें बीजापुर के मोदकपाल थाने की हैं। यहां तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा थाना परिसर ही डूब गया, जिसकी वजह से स्टाफ हो या फरियादी, कोई थाने के अंदर नहीं जा सका। सिर्फ थाने ही नहीं, उसके आसपास के इलाके में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़क पर बहते पानी की रफ्तार को देख कर लगा जैसे यहाँ कोई नदी बह रही है। यही नहीं, सैलाब में रास्ते डूबने की वजह से बीजापुर भोपालपट्टनम नेशनल हाईवे पर भी आवाजाही थम गई। नदियों और बरसाती नालों में उफान की वजह से बीजापुर में कई गांव पानी में डूब गए। अगली तस्वीर भी छत्तीसगढ़ से ही है। यहां सुकमा में भारी बारिश के बाद मलगेर नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी अब मौजूद वहां पर पुल पर भी बह रहा है, जिसकी वजह से इस जिले का जो संपर्क है दूसरे हिस्सों से टूट गया है। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों और नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं सुकमा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दो दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पिछले दो दिन से लगातार जिले में भारी बारिश हो रही है। और भारी बारिश के चलते बेड़ल जिला की पहाड़ियों से जो निकलने वाली मलगेर नदी है वो उफान पर है। देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी कि ये गाजीरा स्थित जो है पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी अभी भी बह रहा है। और कल दोपहर के बाद से ये पानी अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद जो है आवागमन बाधित हो गया है। और गाजीरास जो पुलिस है वो दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा दी है, किसी भी आने जाने वाले राहगीर को रोक रही है, क्योंकि आज साप्ताहिक बाजार है गाजीरास का, जिसके चलते उस और करीब 10 से 15 गांव हैं के जो ग्रामीण हैं वो रोजमर्रा सामग्री लेने के लिए गाजीरास आते हैं। लेकिन बाढ़ के चलते वो लोग भी जो है उस पार रुक रहे हैं, जो है इस पार नहीं आ पा रहे हैं। और एहतियात बरतते हुए जो है थाना प्रभारी रितेश यादव ने दोनों तरफ जो है सुरक्षा लगा दी है, किसी प्रकार
इससे ग्रामीणों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसलिए जो है जवान तैनात कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल में भी जमकर बारिश हुई है। कोलकाता में मूसलाधार बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दे दी है, वहीं दूसरी तरफ मुसीबत की वजह भी बन गई है। जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में अब परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को बढ़ती गर्मी से तो राहत मिली ही है, लेकिन साथ ही साथ अब ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ गई है। जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते लोगों को अब कहीं आने और जाने में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। वही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ध्वज से लिपटा ताबूत स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग पहुंचाया गया, जहां ब्रिटिश राजशाही के निवास पैलेस ऑफ होलीड हाउस में उनके पार्थिव शरीर को सिंहासन कक्ष में रखा गया। 24 घंटों तक पार्थिव शरीर यहीं रहेगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सकें। एडिनबर्ग के शाही महल में ताबूत लाए जाने से पहले इसे स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाके से लेकर शहर के कई रास्तों तक घुमाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया है और अंतिम यात्रा को ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा।